हेलो एवरीवन, आज मैं लेमन राइस की बहुत ही सिंपल, इजी और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। लेमन राइस बनाने के लिए पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इसकी जगह कढ़ाई का यूज भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच सरसों दाना, 1 छोटा चम्मच धुली हुई उड़द दाल, 1 छोटा चम्मच चना दाल, 2 साबुत लाल मिर्च, इसे तोड़ के डाल देंगे और इसे हम आधा मिनट के लिए भून लेंगे। जो सरसों है ये चटक जाए। आधा मिनट के लिए इसे भून लिया है, सरसों चटकने लगी है। अब इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं, थोड़े से करी पत्ते, 2 टेबलस्पून मूंगफली गिरी, 2 टेबलस्पून काजू है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो सिर्फ मूंगफली डालकर भी इसे बना सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। मूंगफली और काजू का कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन हो जाएंगे, और दालों का कलर भी हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। काजू और मूंगफली गोल्डन हो गए हैं और दालें भी हमारी गोल्डन हो गई हैं। इसे जलाना नहीं है, ये देखिए दालें भी गोल्डन हो चुकी है। अब फ्लेम हम कर देंगे बिल्कुल लो और इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से पहले फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। मिक्स करेंगे इसे फटाफट से। मिक्स करने के बाद साथ के साथ इसमें डाल देंगे ये 2 कप पके हुए चावल हैं। चावल आप इसमें शॉर्ट ग्रेन ही यूज करें, जैसे सोना मंसूरी वगैरह, बासमती ना यूज करें। जो भी आप नॉर्मली घर पर चावल खाते हो उससे आप इसे बना सकते हैं। बासमती का अपना ही खुशबू और फ्लेवर होता है, जिससे कि इसका टेस्ट जो है उतना बढ़िया नहीं आएगा, तो आप इसमें शॉर्ट ग्रेन चावल यूज करें, तब ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैं सोना मंसूरी यूज कर रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। अगर आप चावल बनाते समय नमक डालते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं 1/2 छोटा चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दे रही हूँ। अब इसे मिक्स कर देंगे। कई बार घर पर चावल बच जाते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, फटाफट से लेमन राइस बनाइए और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। लेमन राइस को हमें बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम फ्राइड राइस नहीं बना रहे हैं। लेमन राइस बस सब चीजों के साथ आप फटाफट से चावल को मिक्स कीजिए और तैयार हो जाते हैं। तो अब हमने इसे मिक्स कर लिया है। लास्ट में बिल्कुल जब हम गैस बंद करने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे नींबू। तो गैस आप बंद करने से पहले ही इसे डालें, नहीं तो कड़वापन आ सकता है नींबू का। 2 टेबलस्पून नींबू का रस है, इसे डालेंगे, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। मिक्स कर देंगे सब चीजों को और साथ के साथ हम फ्लेम बंद कर देते हैं। आप चाहें तो नींबू गैस बंद करने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू डालने के बाद इसे ज्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो नींबू का कड़वापन आने लगता है। लेमन राइस बनकर तैयार है। देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। इसे आप किसी भी साउथ इंडियन करी के साथ खा सकते हैं, या ऐसे ही बिना किसी चीज के भी आप इसे खाएंगे तब भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो आप इसे ट्राई करें, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।